हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में हम आईफोन 11 का आईफोन 13 के साथ कंप्लीट कंपैरिजन करने वाले हैं। सो आईफोन 11 पे मैं यूज़ कर रहा हूँ iOS 18.1 का अपडेट, और जो आईफोन 13 है वो iOS 18 के स्टेबल अपडेट पे रन कर रहा है। तो आईफोन 11 बीटा अपडेट पे है। सो ये बीटा अपडेट है बीटा 5 का, बीटा 4 का। और यहाँ पर आप देख सकते हो, सेटिंग्स में चलें तो अबाउट में आपको iOS 18.1 का अपडेट कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अगर हम स्टेबल अपडेट की बात करें तो इसमें बिल्ड नंबर का डिफरेंस आपको आईफोन 11 का आईफोन 13 के साथ देखने को मिलने वाला है। तो दोनों आईफोन्स की स्टोरेज में आप देख सकते हो कोई बग्स तो नहीं है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। दोनों ने काफ़ी जल्दी स्टोरेज को कैलकुलेट कर दिया है। तो यहाँ पर बैटरी हेल्थ को भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि बैटरी हेल्थ कितनी ड्रॉप हुई है दोनों डिवाइसेस की, और बैटरी बैकअप कैसा देखने को मिल रहा है इन दोनों के दोनों डिवाइसेस के ऊपर। तो गाइज़, यहाँ पर बैटरी हेल्थ आप देख सकते हो 91 आईफोन 13 पे है, 82 आपको आईफोन 11 पे देखने को मिल रही है। तो सेटिंग्स में बैटरी की कोई भी नया चेंज देखने को नहीं मिलेगा दोनों डिवाइसेस में। बैटरी हेल्थ दोनों डिवाइसेस पे बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हुई है। तो सबसे ज़्यादा आईफोन 13 में यूज़ करता हूँ। आईफोन 11 जो है वो बस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी मैं इसे यूज़ करता हूँ, और कोई भी एक्टिविटीज़ के ऊपर नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस डिवाइस की यूसेज काफ़ी कम है, बट जो बैटरी बैकअप है वो दोनों डिवाइसेस का काफ़ी बढ़िया मेरे को देखने को मिल जाता है। एक दिन में मैं इन दोनों डिवाइसेस को एक ही बार चार्ज करता हूँ, और काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप मेरे को देखने को मिल जाता है आईफोन 13 और आईफोन 11 के ऊपर। तो बैटरी बैकअप वाइज ये दोनों के दोनों डिवाइसेस iOS 18 के अपडेट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करी जाए तो परफॉर्मेंस मेरे को दोनों डिवाइसेस में काफ़ी बढ़िया लगी। इसमें मेरे को कोई भी बग्स और लैगी एक्सपीरियंस फेस नहीं हुआ आईफोन 11 और आईफोन 13 के ऊपर, क्योंकि दोनों डिवाइसेस काफ़ी बढ़िया कंपैटिबल हैं इस अपडेट के लिए, कोई भी लैगी एक्सपीरियंस नहीं है। तो गाइज़, यहाँ पर फीचर्स की अगर बात करी जाए तो फीचर्स भी यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं सारे के सारे। बस आईफोन 11 पे आई ट्रैकिंग का फीचर अवेलेबल नहीं है, जो कि आईफोन 13 पे आपको देखने को मिल जाता है आई ट्रैकिंग का फीचर। इसलिए आईफोन 13 आई ट्रैकिंग का फीचर है वो उसके लिए कंपैटिबल है, और जो आईफोन 11 है वो आई ट्रैकिंग के फीचर के लिए कंपैटिबल नहीं है। तो ये एक मेन डिफरेंस दोनों डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगा आपको। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो iOS 18.1 और iOS 18 के स्टेबल अपडेट में कंट्रोल सेंटर में क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। तो ये इसका जो इंटरफेस है, जब आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करोगे तो अभी आपको बड़े बड़े पैचेस में देखने को मिलेगा, और जो iOS 18 का अपडेट है उसका कंट्रोल सेंटर कनेक्टिविटी से रिलेटेड कुछ ऐसा आपको शो करने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम स्वाइप करें तो स्वाइप करने पर वही सेम फीचर्स हैं, बस यहाँ पर ये जो चेंज करा गया है लेआउट, आपको वाईफाई, ब्लूटूथ और मोबाइल डेटा हॉटस्पॉट और एयर ड्रॉप को यूज़ करने का, उसको यहाँ पर चेंज करा गया है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें पावर ऑफ़ करने की, तो वो बटन दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। होम स्क्रीन में भी वही सेम कस्टमाइजेशंस आप दोनों के दोनों डिवाइसेस पे परफॉर्म कर सकते हो। तो वही सेम सेटिंग्स आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशंस के रिलेटेड देखने को मिल जाती हैं। अगर मैं इसको डार्क मोड में शिफ्ट करूँ तो डार्क थीम के साथ ये एप्लीकेशंस कुछ ऐसी देखने को मिल जाती हैं, और साथ में ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस यहाँ से टिंट ऑप्शन के ऊपर वही सेम कलर को पिकअप कर लेता है iOS 18.1 के अपडेट में। दूसरी साइड जो iOS 18 का अपडेट है आईफोन 13 पे, उसमें आपको कलर्स को मैच करना पड़ेगा आपके वॉलपेपर के साथ। तो ये एक डिफरेंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है दोनों के दोनों डिवाइसेस में। हीटिंग इशू की अगर बात करें तो हीटिंग इशू मेरे को दोनों डिवाइसेस पे देखने को मिल जाता है वाइल चार्जिंग। ये दोनों के दोनों डिवाइसेस कभी कभार स्टक हो जाते हैं, जो 80% के ऊपर भी स्टक हो जाते हैं या 90% के ऊपर भी ये स्टक हो जाते हैं। तो ओवर हीटिंग का इशू जो है वो दोनों के दोनों डिवाइसेस पे आपको फेस होने वाला है, चाहे वो iOS 18 का स्टेबल अपडेट है या iOS 18.1 का डेवलपर बीटा अपडेट है। तो गाइज़, यहाँ पर हीटिंग इशू आपको दोनों डिवाइसेस पे डेफिनेटली शो होने वाला है। तो गाइज़, यहाँ पर एक और डिफरेंस आया है सेटिंग्स में, आप देख सकते हो अब आपको यहाँ पर सजेशंस देखने को मिल जाएंगी। जो एप्लीकेशंस आप डे टू डे रूटीन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेटिंग्स में ओपन करते हो ऑप्शंस, वो आपको यहाँ पर सजेशंस में यहाँ पर शो होने वाली हैं।
वो रीसेंट जो भी आपने ओपन करा होगा वो भी आपको यहाँ पर आपका डिवाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो करने वाला है iOS 18 के स्टेबल अपडेट में और डेवलपर बीटा अपडेट में, इन दोनों के दोनों डिवाइसेस में। और साथ में सेटिंग्स में अगर चलें तो यहाँ पर आपको कैमरा की एप्लीकेशन में एक नया चेंज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कैमरा को ओपन करना है, रिकॉर्ड साउंड पे चले जाना है और दोनों के दोनों डिवाइसेस पे स्टीरियो मोनो और ऑलाउ ऑडियो प्ले बैकअप फीचर देखने को मिल जाता है। ये जो फीचर है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। अगर आप अपने म्यूज़िक एप्लीकेशन में कोई भी म्यूज़िक प्ले करोगे तो उस टाइम के ऊपर आप अपने वीडियो को भी उसी टाइम के ऊपर रिकॉर्ड कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ऑडियो प्ले बैक का फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। उसी के साथ ही यहाँ पर आपको जंप करना है दोनों के दोनों कैमरास में, तो वीडियो मोड में शिफ्ट करेंगे और यहाँ से वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करना है आपको। और जैसे ही यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मैं यहाँ से अपनी वीडियो को पॉज कर सकता हूँ, तो ये पॉज बटन आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाती है और यहाँ से आप अपनी वीडियो को स्टॉप कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे मैं इन दोनों डिवाइसेस को वीडियो को ओपन करूँगा एडिट मोड में, तो यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाती है जो कि फ्रेम रेट्स को चेंज करने की है। तो यहाँ से आप अपनी प्लेबैक स्पीड को चेंज कर सकते हो। अगर 60 फ्रेम्स में आपने मान लो वीडियो को शूट करा है, तो अगर आपको 30 फ्रेम्स में वो वीडियो चाहिए थी तो आप डायरेक्टली यहाँ से 30 फ्रेम्स को सेलेक्ट कर सकते हो, इसको फिर से यहाँ पर डन करके सेव कर सकते हो ताकि आपकी जो वीडियो है वो 30 फ्रेम्स में कन्वर्ट हो चुके। तो इसके साथ आप अपनी रेजोल्यूशन वगैरह को भी चेंज कर सकते हो। मान लो आपने 4K में वीडियो को शूट करा है, अगर आपको 1080p के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप उसको 1080p के ऊपर वीडियो को शिफ्ट कर सकते हो। तो बाकी यहाँ पर लॉक स्क्रीन से रिलेटेड कोई भी नया चेंज नहीं है iOS 18.1 और iOS 18 के अपडेट में, लॉक स्क्रीन वही सेम आपको देखने को मिल जाएगी। बट यहाँ पर जो आइकॉन्स हैं वो थोड़े बहुत बड़े देखने को मिल रहे हैं iOS 18.1 के अपडेट में एज़ कम्पेरेटिवली iOS 18 के स्टेबल अपडेट में। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशंस को लॉक लगाने का फीचर भी काफ़ी परफेक्टली दोनों के दोनों डिवाइसेस पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर फेस आईडी से ये जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है अगर आपने लॉक लगा रखी होगी। तो यहाँ पर ऐप लाइब्रेरी में आपको दोनों में हिडन फोल्डर देखने को मिल जाता है जो कि आपकी फेस आईडी से ही ओपन होता है। तो ये भी सारे के सारे फीचर्स इन दोनों डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं। ओवरऑल रिव्यू यही है, कंपैरिजन यही है दोनों डिवाइसेस का कि काफ़ी स्टेबल अपडेट है ये दोनों डिवाइसेस के लिए, आईफोन 11 और आईफोन 13 यूजर्स के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।